दोस्तों, अगर आपका नाम जो है ए से स्टार्ट होता है और आपके नाम का जो पहला अक्षर ए है, तो आपको इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने अब की बार भी अनुमान लगा दिया है कि ए नाम वाले लड़कों का या फिर लड़कियों का नेचर कैसा रहेगा और ए नाम वाले लोगों का पैसा में कितनी बढ़ोतरी होगी या फिर नुकसान होगा, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों, हर बार की तरह आपकी बार भी ज्योतिष शास्त्र ने जो है ए नाम वाले भविष्य के बारे में बताया है, यानी कि जिनका नाम जो है ए से स्टार्ट होता है उन्हीं के बारे में जो है रचना कर डाली है। अब उन्हीं के बारे में आज का भविष्य भी लागू होगा, 2023 में ये क्या क्या करेंगे और कहां जो है गुलगुले की तरह उड़ेंगे, ये सब कुछ बता दिया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र ने बताया है कि ए नाम वाले की जितनी भी लड़कियां हैं उनका नेचर कैसा रहेगा, अगर आप शादी करने वाले हैं या फिर लड़के से शादी करने वाले हैं तो उनका जो है नेचर कैसा रहेगा और कितनी जो है व्यापार में बढ़ोतरी होगी या फिर जो है पैसा कितना मिल सकता है और कितना पैसा जो है नुकसान हो सकता है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि धन के लेकर तो ए वाले नाम को थोड़ा सा सचेत भी रहना है, क्योंकि अब की बार जो है ए नाम वाले के ऊपर की थोड़ा सा धन के लेकर थोड़ा सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई बिजनेस या फिर धंधा कर सकते हैं तो थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाइएगा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो उसी हिसाब से पैसा लगाइएगा, ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये जो है हम नहीं बता रहे हैं बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुमान बता रहे हैं। तो दोस्तों, और इनकी जो शिक्षा रहेगी, ए नाम वाले की जो शिक्षा रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा रहेगा और इनका जो है नौकरी मिलने भी सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई फॉर्म डालते हैं, अप्लाई करते हैं तो नौकरी भी बहुत ही आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने बताया है ए नाम वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है ए नाम वाले की जो लड़कियां हैं उनके बारे में यह बताया गया है, जो थोड़ा चिड़चिड़ी होती हैं और थोड़ा गुस्सैली होती हैं, उनको थोड़ा सा सचेत रहना है ताकि जो उनके रिश्ते में जो है कोई टूट ना आए, तो उनको थोड़ा नॉर्मल रहना है। ये ए नाम वालों के लिए, ए नाम वाले की लड़कियों के लिए, क्योंकि वो जो है बहुत ही गुस्सैली होती है, तो ए नाम वाले लड़कियां थोड़ी सी अब की बार जो है नॉर्मल रहना है, ए नाम की लड़कियों को थोड़ा सा नॉर्मल रहना है 2023 में, ताकि उनके रिश्तों और जो है उनके पवित्र बंधनों में जो है गांठ ना पड़े। तो ए नाम वाले लड़कियां जरा ध्यान दें, और इनकी ए नाम वाले लड़कियों की जो है घर में लाने से जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये होगी कि ये दो जो है लक्ष्मी का वास ज्यादा होगा। ए नाम वाले से अगर आप शादी करते हैं तो घर लाएंगे तो वहां पर जो है आपके घर में जो है लक्ष्मी स्वरूप जो है माता आएंगी और आपके घर पर जो है पैसे की बढ़ोतरी होगी। तो ये भी ध्यान रखना, जो लोग शादी करने वाले हैं ए नाम वाले लड़कियों से, वो बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि जो है ए नाम की लड़की जो है इस साल का जो भविष्य है बहुत ही अच्छा है, और इनका जो नेचर है थोड़ा सा जो है गुस्सैलापन है, लेकिन जो अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगी तो बहुत ही अच्छे से कटेगी और बहुत सारा पैसा मिलेगा। और दोस्तों, ए नाम की जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सा गुस्सैली होती हैं, ये तो ज्योतिष शास्त्र ने बताया है कि गुस्सैली हो सकती हैं 2023 में। आप लोग को लगता होगा कि आप कैसे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के जो लड़के हैं उनको जो है थोड़ा सा जो है बिजनेस में ध्यान देना है, उसमें जो पैसा अच्छे से नहीं लगाना है, पैसा को जो है सोच समझ कर लगाना है, क्योंकि ए नाम के जो लड़कों का थोड़ा सा जो है लॉस हो सकता है बिजनेस में, और इनका जो है कार्यशैली में बहुत ही सफलता मिलेगा। और अगर ए नाम के जो लड़के हैं और अगर कहीं जॉब वॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें इनका हाथ बढ़ सकता है, ये ज्योतिष शास्त्र ने बताया है। सबसे ज्यादा जो ज्योतिष शास्त्र ने जोर दिया है ए नाम वाले लोगों का वो है शिक्षा। शिक्षा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगा, ज्ञान का बहुत तेजी से विकास होगा, और जो है नौकरी के लिए बहुत फायदेमंद है, और घर में जो है खुशियां आएंगी, भरपूर खुशियां आएंगी, टूटे हुए काम बिगड़ सकते हैं, यानी कि काम जो है पुराने से पुराने काम जो है बन सकते हैं, छठ में बन सकते हैं, अगर आप प्रयास करेंगे पुराना काम बन सकता है। न्यू काम में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ कर काम में पैसा लगाना है, लेकिन पुराना काम ही बहुत ही जल्दी बन जाएगा ए नाम वालों का। तो दोस्तों, यही कुछ राशियां थी जो इनका नेचर जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, ए नाम वालों का जो है खुशहाली लाएगा, परिवार में जो है खुशी के आंसू झूमेंगे और जो है पैसा भी बहुत आएगा। थोड़ा सोच समझकर जो है बिजनेस में पैसा लगाना है, बस यही जो है ज्योतिष शास्त्र ने बताया है, और इनका नेचर और भविष्य तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं ए नाम वाले लोगों से तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और भविष्य में
हमें बहुत ही खुशहाली मिल सकती है। ये जो अनुमान लगाया है ज्योतिष शास्त्र ने लगाया है, और ए नाम वालों का जो नेचर है वो थोड़ा सा गुस्सैला होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। लेकिन आपकी बार जो है ये लड़की थोड़ा कंट्रोल करेंगी तो अच्छे से व्यतीत होगी, कोई भी कार्य में बहुत तेजी से सफलता मिलेगी। बस यही जो है ए नाम वाले लोगों के लिए था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी ए नाम वाले लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। और आपको जो ये जानकर कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय सिया राम, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।